Hello friends, welcome in our YouTube channel. Now we will see multiplication 3D times 2D. 3D means what? Digit. Three numbers और उसका साथ two numbers के साथ multiplication कैसे करेंगे वो सीखेंगे. School की method से हमको क्या करना पड़ता है, two से multiply करेंगे both three numbers को, फिर three से multiply करेंगे, फिर add करेंगे. लेकिन हमारे easy trick में हमको सिर्फ याद से देखना है. For example, this three number a 1 3, okay? Multiply by 32. So 3 2, और ये 32 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे. ओके, अभी आंसर निकालते समय देखो, बहुत इजी स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से हमारी लास्ट टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना. सो 3 2 जा कितना हो गया, 6. ओके, नाउ सेकंड स्टेप, लास्ट टू नंबर्स, टू डिजिट नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो और वो दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है. सो 2 1 2 एंड 3 3 9, 9 प्लस 2 11. सो 1 विल डाउन एंड 1 विल कैरी. ओके, नाउ अभी ये क्रॉस होने के बाद हम पीछे से आगे आ रहे हैं. आप देखो, लास्ट टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर लास्ट दो डिजिट नंबर है, 4 नंबर्स, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया. ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप. और अब हमारी थर्ड स्टेप से कि पूरा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, तो फिर क्रॉस कैसे करेंगे, लास्ट नंबर टू फर्स्ट नंबर, फ्रॉम दिस फर्स्ट नंबर टू लास्ट नंबर. अब ये मिडल में दो नंबर आ गया, तो ये दोनों नंबर का एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो अभी देखो, ये सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन एड करेंगे दोनों सबके आंसर को. सो 8 2 16 16 आ गया, फिर 3 टाइम 0, 3 3 0 0 एंड 3 1 3. सो 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 1 20. ओके, नाउ 0 विल कम एंड 2 विल कैरी. ओके, अब ये पूरा सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप. अब हमारी फोर्थ स्टेप से फर्स्ट टू डिजिट फोर नंबर से इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अभी देखो, 1 0 0, 8 3 24, 24 plus 2 26. So 6 will come here, again 2 will carry. Now last 8 0 8 times 8 0 0, और 2 हमारा आंसर क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा. तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, 26016. देखो एक बार रिपीट कर लेती, इसमें हमने हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप की लास्ट टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ये लास्ट फोर नंबर्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके एडिशन की. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, पूरे नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन किया. फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट फोर डिजिट नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन किया. और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, लास्ट टू डिजिट नंबर का एडिशन करके फाइनल आंसर हमारा आ गया 26016. ओके, नाउ वी विल सी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट इनटू 2 डिजिट. चलो अब हमको क्या करना है, डेसिमल में डेसिमल साइन है वो देखना ही नहीं है. अभी हमने क्या सीखा, 3D टाइम्स 2D करना, मतलब 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना. तो सेम एज इट इज हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 1 2 और 3 1, उसके आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे. हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन. सो 2 1 2. नाउ लास्ट 4 नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एड दैट नंबर. सो 3 2 6, 1 1 1. सो 6 प्लस 1 7. ओके, हमारे थर्ड स्टेप क्या है, पूरे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्रॉस और उसका एडिशन करना. सो फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू लास्ट नंबर, देन लास्ट नंबर टू फर्स्ट नंबर एंड मिडल सेम नंबर. सो 2 0 0 आता है, उसका काउंट करने की जरूरत नहीं है. 9 1 9 एंड 3 1 3. सो 9 प्लस 3 12. ओके, सो 2 विल कम डाउन, 1 विल कैरी. ओके, और हमारी लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप क्या है, इसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट फोर नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर निकालना है. सो 27 1 0 है, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो भी चलता है. 27 प्लस 1 28. सो 8 विल कम डाउन एंड 2 विल कैरी. और 9 0 का तो 0 ही आता है, 2 एज इट इज. सो फाइनल आंसर इज 28272. लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है. सो 2 एंड 1 3. सो फ्रॉम बैक साइड वी विल काउंट 3 नंबर, 1 2 3
and we'll give the decimal point. Okay, so our final answer is 28.272. थैंक यू सो मच फ्रेंड. अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.